गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस को लेकर जो हर एक कंपनी के अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू प्रोसेस। आज बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को जब हम मिलते हैं और उनके साथ जब बातचीत करते हैं तो बहुत सारे बिजनेसमैन का खुद का बैकग्राउंड एक जॉब का होता है, उन्होंने कहीं से ये सारी चीज़ों को सीखा हुआ नहीं होता है, तो बहुत सारे बिजनेसमैन की ये चैलेंजेस निकल कर आई है और बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया है कि इंटरव्यू की एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होती है, सर ये हमें पता ही नहीं है और कभी हमने ये प्रॉपर तरीका अपनाया ही नहीं है। तो इन लोगों को आज दो तरीके से हम ये इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के बीच में बांटेंगे। पहला, इंटरव्यू लेने के टाइम पर क्या क्या गलतियाँ एज अ बिजनेसमैन आप लोग और हम करते हैं, और दूसरा एक तरीका कि किस तरीके से एग्जैक्टली इंटरव्यू हमें लेना चाहिए। क्योंकि ये दोनों तरीके जब अपने माइंड में क्लियरिटी होगी तो स्टार्टिंग में ही टीम मेंबर को किस तरीके से अपने को हायर करना है, किस तरीके से लोगों को अपने साथ लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला पार्ट जितना अच्छा क्लियर रहेगा आगे एक लंबा जर्नी एक टीम के साथ आप तभी कर पाओगे। और आज का जमाने में कहा जाता है अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आपको एक सक्सेसफुल टीम बनानी पड़ेगी, और सक्सेसफुल टीम अगर आपको बनानी है तो उसकी शुरुआत जो है वो इंटरव्यू से होती है। तो आइए हम मिलकर स्टार्ट करते हैं और आज हम देखते हैं इंटरव्यू लेने के तौर तरीके कैसे होते हैं और कैसे होने चाहिए। So, आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू प्रोसेस की, और पहला तरीका जो आपको बताने वाला हूँ, जो आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में और आपकी कंपनी में जो आप अपनाते हो वो तरीका पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे एक ऑर्गेनाइज वे में इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। तो पहला तरीका रहेगा अनऑर्गेनाइज, स्टार्ट करते हैं। कैसे है पीयूष जी? सर अच्छा हूँ, आप कैसे? बस एकदम बढ़िया। कैसे है परिवार के अंदर सब लोग? सब बढ़िया। ओके, तो कैसा आना हुआ यहाँ पे? सर जॉब के रिगार्डिंग आया था मैं। अच्छा, तो उसी पर वही पर्पस था कि मुझे जॉब लेनी है। अच्छा अच्छा, मौसी बता रही थी कि आपको काम की जरूरत है, अभी आपने ग्रेजुएशन वगैरह कुछ कंप्लीट कर लिया है और कहीं जॉब की आप तलाश में हैं? हाँ सर, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद अभी इंटर्नशिप करी है टाटा स्ट्राइप से डिजाइनिंग फील्ड में, तो अभी मेरे को जॉब रोल चाहिए। तो कोई बात नहीं, अपनी घर की कंपनी है, क्या टेंशन है। हाँ जी, वही मौसी बता रही थी कि एक बार बात कर लेना तो हो जाएगा। हाँ, तो अपने काम करते हैं, कल से आप आ जाइए, जो सारा सेटअप वगैरह है वो आपको एक बार दिखा देंगे और सारी चीज़ें एक बार आप समझ लीजिए, फिर जैसे जैसे आपको समझ में आता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें अपने करते जाएंगे। अपना घर का ही है सारा, तो सारी चीज़ें उसी के हिसाब से अपने को करना है। हाँ जी सर, बराबर। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो मैं आपके साथ ही, जो भी बातचीत वगैरह करनी हो अपने मिलकर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊँगा, उसके हिसाब से आप करते जाना। श्योर सर, ठीक है, बराबर। तो कल से ही आप ज्वाइंट हो जाइए और हम वेटिंग ही कर रहे थे आपका कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी अपना बेहतर अपने आगे बढ़ेंगे। हाँ सर बिल्कुल, मैं कल से आ जाता हूँ और थैंक यू, आपने मेरे को पहली अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए। हाँ देखो, क्या करना है कैसे करना है अभी वो सारा पिक्चर हमारे माइंड में क्लियर नहीं है, और अभी कंपनी जस्ट अपनी स्टार्ट होने को है तो शुरुआत में होता क्या है कि भरोसे वाले लोग चाहिए। आप हमारे परिवार के ही हो तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी आप ही रहोगे, क्योंकि क्या बाहर से जो लोग आते हैं तो उनके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं होता है। तो आप परिवार के ही हो, आपके ऊपर अगर एक ट्रस्ट रखकर हम शुरुआत करते हैं तो आगे की चीज़ें अपने को समझ में आती जाएगी। तो कोई भी कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कल से आ ही जाना है और आपको स्टार्ट कर लेना है। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, फिर तो आप एक्सपर्ट हो ही, तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर ही लोगे। हाँ सर बिल्कुल, मैं कल से आता हूँ। ओके तो मिलते हैं अपने। ओके सर। ओके, डन। दोस्तों, अभी जो आपने देखा ये एक तरीका होता है जो हर कंपनी के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पर हम एग्जैक्टली देखते हैं, और उस तरीके को देखने के बाद हमें ऐसा फील होता है यहाँ काम करने वाले लोग कैसे होंगे और इनकी टीम कैसी होगी भगवान जाने, और उनकी कंपनी भी जो होती है वो फिर भगवान भरोसे ही रहती है। तो अब हम एक दूसरे तरीके के ऊपर जाएंगे जो एग्जैक्टली एक प्रोफेशनल तरीका होता है किसी भी कंपनी का रिक्रूटमेंट का, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रोफेशनल तरीके से जब आप किसी बंदे को अपॉइंट करते हो तो उस टाइम पर इंटरव्यू में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है,
थियोरिकल चीजों तक आप लोगों को हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ही। आपको इसके लिए लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और बेल आइकन जो है उसको दबाना पड़ेगा और आपके रेफरेंस में जितने भी लोग हैं उन तक ये वीडियो को पहुँचाना पड़ेगा, तभी हम इसके इंटरव्यू के क्वेश्चन और इसमें पूछी जाने वाली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम नीचे जो है वो आइकॉन के अंदर आपको डालकर दे देंगे, जहाँ से आप क्लिक करके वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपने पास ले पाएंगे। तो अब हम चले जाते हैं दूसरे तरीके के ऊपर, जो एग्जैक्टली अपना काम करने का तरीका है और एग्जैक्टली एक इंटरव्यू लेने की प्रोसेस है। यस प्लीज। गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। ओके, रिज्यूम लाए हो आप अपना? हाँ सर। ओके दीजिए। Yes, Piyushji. Tell me about yourself. Sir, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. Well, my name is Piyush Bhattu. Basically, I am from Harda, but currently live in Anand for an internship in designing field at Tata Steel Center. If I talk about my education, so I did my schooling from Sunflower Higher Secondary School. Great. And I also did my engineering from Patel Group Institute, RGPB University in civil branch. Okay. And if I talk about my experience, so I have a 3-year experience in the field of civil in an architect. Okay. But I want to change my career into IT field. Okay. And talking about my hobbies, so I love to play cricket. Okay. I love to play music. Okay. Because great. It's heal me. Okay. And I love to chase. I love to play chess because it's give me a sharp mind and concentrated mind on a workaholic session. Okay. Yes, that's it. Piyushji, आप किस तरीके की opportunity के तलाश में हैं? To be genuine, मुझे ये opportunity चाहिए कि मैं को सबसे पहले अभी मैंने changing किया हुआ है civil से मैं IT field में आया हूँ, तो सबसे पहले मेरा purpose ये है कि मैं अच्छी company में job ले लूँ, जॉब होल्ड कर सकूं, तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यही है। गुरुकुल की वैकेंसी आपने कहां से क्लिक की हुई है? सर एक्चुअली मैं लिंक्डइन पे फाइंड कर रहा था, तो वहां पर मेरे को गुरुकुल की तरफ से पोस्ट देखने को मिली थी कि डिजाइनिंग फील्ड में वो फाइंड कर रहे हैं, तो मैंने वहां पर अप्लाई किया था, तो HR से बातचीत हुई थी, तो उसी से वहीं से हमें आया। मतलब पहला राउंड आपने टेलीफोनिक कंप्लीट कर लिया हुआ है। हाँ जी। सेकंड राउंड जो है वो HR के थ्रू आउट आपका कंप्लीट हो चुका है। Yes. और आज हम बैठे हुए हैं ये फाइनल राउंड के। हाँ जी। ओके। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस कंपनी के लिए आप आज यहाँ पर आए हैं उस कंपनी के बारे में आपको क्या पता है? सर ये मुझे मालूम है गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस है, जो बिजनेसमैन को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाती है रिगार्डिंग उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए और कहीं भी कोई स्ट्रेटेजी प्लान करवाने के लिए सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपको पता है हमारी कंपनी का विजन क्या है? सर ये मैंने देखा था वहाँ पे कि आपका कंपनी का जो मिशन है वो है 50,000 टीम बनाना है और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो कंपनियाँ हैं उनमें स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करना। एक बात आपको आज पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम के अंदर, कि हमारी कंपनी एक विजन के ऊपर काम कर रही है और हमारी कंपनी का अल्टीमेट विजन ये है कि हमें 5,000 कंपनियों को 500 करोड़ के ऊपर लेकर जाना है। और वो सारी कंपनी ऐसी है जिनका टर्नओवर अभी 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में है और वो सब अनऑर्गेनाइज है, तो उनको ऑर्गेनाइज करना ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये विजन को अचीव करने में आप हमें क्या योगदान दे सकते हैं? सर जैसे कि मैं बात करूं, मैंने टाटा स्टाइल से इंटर्नशिप करी है, तो मैं अगर वहां पर मेरे जॉब पर्पस की बात करूं कि मेरे वहां पर पिछली कंपनी में क्या काम करता था, तो वहां पर जो भी ग्राफिक्स के रिगार्डिंग डिज़ाइन आती थी, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, विजन मिशन बोर्ड हो गया, लोगोज डिज़ाइन हो गए, ब्रोशर्स हो गए और जो भी एक्सेट्रा डिज़ाइनिंग हो गई, तो वहां पर वो डिज़ाइन के साथ साथ मैं कोऑपरेट करता था क्लाइंट के साथ। Okay. तो क्लाइंट से भी बातचीत होता था, वो भी हमको ही करना पड़ता था, बस जो फाइनल जो अमाउंट की बात होती थी वो हमारा मैनेजमेंट करता था।
तो इस चीज़ में मैं आपकी कंपनी को अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ और थोड़ी सी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं और बेहतर ढंग से मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ। ओके ग्रेट, क्योंकि हम ऐसे लोगों की ही तलाश में है जो हमारे विजन को अचीव करवाने में वो अपना योगदान दे और उनके जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल है उसको अचीव करवाने में गुरुकुल एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करे। क्योंकि गुरुकुल एक कंपनी नहीं है, गुरुकुल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आए हुए हर ड्रीमर को, हर विजनरी पर्सन को उनको अपना सपना पूरा करना और वो पूरा करने का उनको एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करना, ये गुरुकुल करके देता। अब कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो कुछ हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आप एक बार पढ़ लीजिए और आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि हमारी कंपनी में किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले वहाँ पर टाइमिंग जो है उसको लेकर क्लियरिटी दी हुई है कि हमारा 9:25 जो है वो स्टार्ट टाइम है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक टाइम हमने दिया हुआ है, लंच टाइम दिया हुआ है, मतलब बेसिक रूल्स हमने कंपनी के 25-30 बनाए हुए हैं जो आप अगर नोट डाउन करोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी जिस कंपनी में आप अपना फ्यूचर देख रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। श्योर सर, क्लियर है? ओके डन। इसके बाद आगे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रोफाइल के लिए अभी हमने आपको अपॉइंट किया हुआ है तो उस प्रोफाइल के अंदर अभी आपका जो JD है वो JD कुछ इस तरीके का, और JD का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी के लिए जब आप काम करते हो और आपको एक 100% जब अपना देना होता है तो आपको अपना रोल क्लियर होना जरूरी है। तो आपको अपना रोल क्लियर करने का काम हमारी JD आपको देगी, क्योंकि JD के अकॉर्डिंग ही आपको टास्क करने हैं और उसी के नीचे KRA दिया जाएगा कि आज एक X अमाउंट में जब आप हमारे वहाँ अपॉइंट होगे 15,000, 20,000 या 25,000 जो अभी हम नेगोशिएट करने वाले हैं, तो उसी अमाउंट के अंदर कंपनी आपसे क्या रिजल्ट की अपेक्षा रख रही है वो हम KRA के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे और उसी चीज का हमारा एक PMS भी रहेगा। पूरे साल आपने हमारी कंपनी में क्या परफॉर्मेंस किया है और किस तरीके से आपका ग्रोथ होने वाला है वो PMS के जरिए आपको क्लियरिटी बताई जाएगी। तो यही प्रोसेस के जरिए आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या स्कोर अचीव किया है और कंपनी को ये बताने में आपको खुशी होगी कि कंपनी कितना ग्रोथ आपको देने वाली है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर। और हर पर्सन जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो स्टार्टिंग के 3 महीने हमारे प्रोविजन पीरियड होते हैं। तो ये प्रोविजन पीरियड हम इसलिए आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि आपको कंपनी को जानना होता है और कंपनी को आपको जानना होता है, और जब दोनों को एक दूसरे की चीजें क्लियर हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि कंपनी मुझे कितना ग्रोथ देने वाली है और कंपनी को पता चल जाता है कि कंपनी के ग्रोथ में आपका कितना कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो ये प्रोविजन पीरियड जो रहेगा उसके अंदर आपको टास्क दिए जाएंगे, चैलेंजेस दी जाएगी, उसको आपको ओवरकम करना है और आपको अपना बेस्ट वर्जन देना है। तो क्या आप ये चीज कर पाएंगे? हाँ सर बिल्कुल, टास्क सारे पूरे कर लेंगे? हाँ सर बिल्कुल कर लूंगा। ओके ग्रेट। और उसी के साथ हमारे वहाँ एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, तो जिस दिन आपका रिक्रूटमेंट होगा, जिस दिन आप यहाँ पर कंपनी को ज्वाइंट करोगे तो आपको बताया जाएगा कि कंपनी का ये फ्यूचर प्लान है, कंपनी का ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और कंपनी आने वाले टाइम में ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर लेकर चल रही है जहाँ से आपको अपना एक ग्रोथ प्लान मिलेगा। क्योंकि आने वाले 5 साल या आने वाले 10 साल अगर आप गुरुकुल को देते हैं तो गुरुकुल ये डैम श्योर बताएगा कि आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल जो है वो कंपनी आपको पूरा करके देगी। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ सर बिल्कुल तैयार। ओके। और स्टार्टिंग के अंदर कंपनी में जब आपको काम करना रहेगा तो आपको यहाँ पर एक रिपोर्टिंग कल्चर को फॉलो करना रहेगा जहाँ पर डेली बेस के ऊपर एक रिपोर्टिंग रहेगा, वीकली मीटिंग हमारे वहाँ रहती है और मंथली मीटिंग हमारी होती है। तो ये सारे मीटिंग में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो वहां पर हमारे लीडर्स आपको मिलेंगे और आने वाले फ्यूचर के क्या प्लान है वो प्लान आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और वहां पर आपको बताया जाएगा कि वहां पर आप एक्स्ट्रा क्या एफर्ट कंपनी को लाकर दे सकते हो। तो ये पूरा पिक्चर अगर आपके माइंड में क्लियर है तो डेफिनेटली फिर अपने ये जर्नी जो है वो यहाँ से अपने स्टार्ट करोगे। हाँ सर बिल्कुल, जो भी आपने मेरे को अभी तक बताया, जो भी रिटायरमेंट कंडीशन थी, क्राइटेरिया था, वो मैं समझ चुका हूँ और बाकी कंपनी में आने के बाद धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो जाए। ओके। तो डेफिनेटली अब अपने बातचीत कर लेते हैं सैलरी को लेकर। हाँ जी सर। कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी में जब आप काम करने के लिए जुड़ते हो तो आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हो,
तो मैं पहले ये जानना चाहूँगा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। सर एक्सपेक्टेशन मेरी है 20 अबव। ओके, अभी इससे पहले आपने जहाँ पर काम किया हुआ है वहाँ पर क्या आपने रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया हुआ था? सर वहाँ पर मैंने इस तरीके से, जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बताया था, तो क्लाइंट से हैंडल करता था कि उसको किस तरीके की लोगोस चाहिए, उसका विज़न क्या है लोगों का। तो मतलब एक कन्वर्जो नाम का मैंने लोगो बनाया था, तो उस कंपनी का ये मिशन था कि हमारे ऐप को जो भी यूज़ करेगा तो वहाँ पर वो वीडियो कॉल भी कर सकता है, कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकता है, कॉल भी कर सकता है, चैटिंग भी कर सकता है। तो लोगों को मैं कुछ तरीके से डिज़ाइन करना था कि उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाए, या फिर उसको उस सिर्फ एक आइकॉन को देख के पब्लिक या फिर जो दूसरे हैं वो लोग समझ जाए कि हाँ इस चीज़ पे ये चीज़ होती है। आपको क्या सैलरी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती थी? सर वहाँ पर मेरे को 15,000 मिलते हैं। ओके, तो अपने अभी एक काम करते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर डेफिनेटली अपने काम करेंगे। 3 महीने का अपने एक टाइम पीरियड लेकर चलते हैं, अभी एक बेसिक सैलरी से अपने स्टार्ट करते हैं और उस बेसिक सैलरी के अंदर मैं आपको टास्क देता हूँ, उसके ऊपर आप परफॉर्म कीजिए और उस परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर आगे का जो प्लानिंग करना है वो अपने डन कर दें। सर परफॉर्मेंस तो चलती रहती है, बट मैं 20 अबव ही चाहता हूँ, तो आप कोशिश करिए कि 20 अबव या 20 मुझे मिले। ओके, डेफिनेटली क्या रहता है कि अभी आपने हमारा काम देखा नहीं है क्या तरीका हमारा काम करने का होता है, और मैंने खुद ने अभी आपका काम करने का तरीका नहीं देखा। अभी जो अपनी डिस्कशन हुई है थोड़े टाइम के लिए, वो अपनी एक वर्बली डिस्कशन हुई है। तो वर्बली डिस्कशन से डेफिनेटली आप जो एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो कंपनी वो देना ही आपको चाहती है, लेकिन क्या होता है, एक होता है डिमांड कि मुझे चाहिए ही चाहिए, और एक होता है अचीवमेंट कि हाँ मैंने ये प्रूफ किया और अब मुझे आप ये चीज़ दो। तो हम दूसरी वाली कैटेगरीज के साथ काम करना चाहते हैं जो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और उसके होकर अगर आप परफॉर्म करते हो तो कंपनी को 20 के आपको 25 देने के लिए कंपनी तैयार है। क्योंकि क्या होता है, हर एक टीम मेंबर जब कंपनी के साथ जुड़ता है तो उसका आरओआई होता है, और आरओआई का मतलब ये होता है कि आपके पीछे कंपनी जो अमाउंट लगा रही है उसका कंपनी को रिटर्न क्या मिल रहा है। तो आपका जो परफॉर्मेंस है वही बोल लेगा, तो आपको बोलने की डिमांड ही नहीं रहेगी, और 3 महीने का टाइम पीरियड अपना रहेगा। ठीक, तो 3 महीने के टाइम के लिए अपने यहाँ पर डन करते हैं, और उसके बाद फिर आगे के जो भी फर्दर प्रोसेस करनी रहेगी वो क्वार्टर लिमिट के अंदर जब अपना मिलना रहेगा तब अपने आगे के प्लान्स करेंगे। श्योर सर। ओके, सो डेफिनेटली आज आपने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आपने चुनी हुई है और एक अच्छी कंपनी को आपने वर्क करने का प्लानिंग सोचा हुआ है, तो मेरी ओर से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। थैंक यू सर कि आपका एक हैप्पी जर्नी यहाँ से शुरू हो, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो आपने अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल देखे हैं तो गुरुकुल एक प्लेटफॉर्म ऐसा रहे जहाँ से ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके यस दोस्तों, तो यहाँ आज आपने देखा है 2 अलग अलग तरीके इंटरव्यू लेने के। सबसे पहले पड़ाव जो अपना था वहाँ पर हमने जो तरीका देखा था वो हर जगह हर कंपनी के अंदर अपनाया जाता है। जितनी भी कंपनी के अंदर एचआर नहीं होते हैं वहाँ पर जब ऑनर्स इंटरव्यू लेते हैं तो या तो वो ऑनर खुद इस तरीके के इंटरव्यू से अपने लोगों को रिक्रूट करते हैं, और दिक्कत फिर ये आनी शुरू हो जाती है कि लोगों को रेफरेंस के बेस पर लिया जाता है, उनकी स्किल विल जो है वो चेक नहीं की जाती, और उन चीज़ों को चेक न करने के कारण आगे जाके दिक्कत ये होती है कि उनको अपनी जॉब प्रोफाइल क्लियर नहीं होती है और कंपनी को अपना रोल क्लियर नहीं होता है। और सेकंड तरीका जो आज आपने यहाँ पर देखा है वो तरीका एक प्रॉपर इंटरव्यू लेने का है कि सामने वाले बंदे के साथ जब भी आप बात कर रहे हो तो सबसे पहले ये जानो कि उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आने वाले 5 साल में वो कहाँ जाना चाहता है, आपकी कंपनी उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, और आने वाले टाइम में 5 साल में वो अगर अपना फ्यूचर यहाँ पर देख रहा है तो कंपनी के विजन में उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है। फिर बात आती है कंपनी के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, जो पहले ही दिन कैंडिडेट को बता देना जरूरी होता है। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा जरूरी, उसको एक क्लियरिटी देना, और वो क्लियरिटी जाती है जब उसको अपना JD और अपना KRA क्लियर होता है। और हर साल हर टीम मेंबर को जब अपने को ग्रोथ देना होता है तो उसके वर्क को परफॉर्म कैसे आप मेजर कर सकते हो, उसके लिए एक सिस्टम अपनानी रहती है जिसको कहा जाता है PMS, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम।
और ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ईयर एंड में आपको क्लियरिटी दिला पाएगी कि आपकी टीम में 10 लोग अगर काम करने वाले हैं, कंपनी का एक्स टर्नओवर है और वो अगर वाई तक जाता है, जैसे कि 5 करोड़ का टर्नओवर अगर 10 करोड़ तक अगर पहुंच गया है, तो ये 10 लोगों में से किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो उसको उसी के हिसाब से प्रोग्रेस मिलने वाला है। और ये सारी चीजें जब क्लियर करवाई जाती है तो आपके साथ रुके हुए बंदे लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ काम करने वाले हैं, लंबी दौड़ के लिए आपके साथ जुड़ने वाले हैं, और हर वो पर्सन आने वाले हैं जो प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं। तो एक तरीका होता है देसी, जो पहला आपने देखा, और दूसरा एक तरीका होता है प्रोफेशनल, जो उसके बाद आपने देखा। अब चूज आपको करना है, डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आपकी कंपनी जो है उसमें आने वाले लोग अगर आप प्रॉपर तरीके से रिक्रूट करके अगर उनको नहीं लोगे तो वही कल उठ के आपका सिरदर्द होने वाला है। फिर बाद में होता यह है कि लोग आते हैं, चले जाते हैं, काम करते नहीं है, नियम एंड रेगुलेशन को फॉलो करते नहीं है, कंपनी के अंदर डिसिप्लिन लेकर नहीं आते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आने का सबसे पहला कारण यही होता है कि जिस दिन जिस पर्सन को आप रिक्रूट करते हो, क्या आपने अपनी सारी सिस्टम उनको क्लियर करवाई? अगर क्लियर करवाई होगी तो डेफिनेटली उनका प्रॉपर तरीका रहेगा। और इसके बाद के नेक्स्ट चरण के अंदर अब हम देखने वाले हैं कि बंदे को रिक्रूट तो आपने कर लिया, लेकिन रिक्रूट करके क्या सीधा आप उनको काम पर लगा दोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सीधा काम पर लगा देते हैं और फिर सोचते हैं ये रिजल्ट प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा। तो ऐसी चैलेंजेस आने वाले लोगों के लिए सेकंड पार्ट के अंदर हम आपके बीच में लेकर आएंगे एक प्रॉपर तरीका, जिस तरीके से किसी भी बंदे का इंडक्शन होना चाहिए। तो इंडक्शन प्रोसेस का मतलब यह होता है कि कोई भी बंदा जिस दिन आपकी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो 7 दिन की यह प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक बंदे की पोजीशन जो है उसको दी जाती है और उसको उसकी प्रोफाइल जो है वो हैंडओवर की जाती है और फिर वो बंदा धीरे धीरे परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तो ये तरीका अगले टाइम के अंदर हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे और डेफिनेटली आज अगर आपको मजा आया है तो अगले सेशन में और ज्यादा मजा आएगा और अच्छी तरीके से ये सारी चीजों को हम सीखेंगे और अपने बिजनेस में उसको अप्लाई करेंगे। और उसके बावजूद भी अगर कोई चीज करने में आपको दिक्कत आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, नीचे दिए गए मेल के ऊपर आप अपना मेल कर सकते हो और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।